हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए चॉकलेट फज की रेसिपी लेके आए हैं, जो कि नो डाउट बहुत ही टेस्टी होती है, क्योंकि उसके अंदर कंडेंस मिल्क है, इसके अलावा हमारी फेवरेट चॉकलेट्स हैं। तो बहुत ही यमी रेसिपी होने वाली है और बहुत ही क्विक है, बन जल्दी से जाती है, हालांकि इसको सेटिंग में थोड़ा टाइम लगता है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कैसे फज बनाना है। तो सबसे पहले आपको एक पेपर कट करना है, बटर पेपर मैंने लिया है। आप चाहें तो कोई प्लास्टिक रैपिंग भी यहाँ पे ले सकते हैं। हमें बेसिकली जिस टिन में हम हमारे फज को सेट करेंगे उसमें इसको लगाना है, और साइड से आप देखेंगे इस तरह से आप कॉर्नर से आपको दो ये काट लीजिए इस तरह से चारों जगह से, और उसके बाद ये इजीली सेट हो जाता है और आपको दो पेपर्स इस तरह से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे मेल्टेड बटर है, उससे मैं इस बोल को अच्छे से ग्रीस करूँगी। आप यहाँ पे चाहें तो नॉर्मल ऑयल, ऑलिव ऑयल और घी, कुछ भी किसी भी चीज़ से इसको ग्रीस करना है, ताकि जो हमारा पेपर है, बटर पेपर जो हम यूज़ करने वाले हैं, वो अच्छे से इस पर स्टिक हो जाए। तो हमें चारों साइड से इसको अच्छे से ग्रीस करेंगे। अब इस पेपर को जो हमने कट किया था उसको इसमें अच्छे से सेट कर देंगे, ताकि अच्छे से इस पर स्टिक हो जाए। हमने ये साइड की जो ये है थोड़ी ज़्यादा ली है, ताकि जब इसको बाहर निकालेंगे फज को तो इजीली निकल जाएगा। और मैं हल्का सा यहाँ से भी लगा रही हूँ बटर, ताकि पेपर बिल्कुल भी इधर उधर हिलेगा नहीं और अच्छे से सेट रहेगा। तो अब हम इसको साइड में रख देते हैं। चॉकलेट फज बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए चॉकलेट, जितना हो सके बेस्ट क्वालिटी चॉकलेट आप यहाँ पे यूज़ करें। और डार्क चॉकलेट का फज ज़्यादा अच्छा लगता है, बट चॉकलेट का सिलेक्शन आप पे डिपेंड करता है, आप सेमी स्वीट भी ले सकते हैं। यहाँ पे जो चॉकलेट ले रही हूँ उसमें 74% कोकोआ है और ये 100 ग्राम्स का स्लैब है, तो ऐसे हमें 3 स्लैब यूज़ करने हैं, तो यानी 300 ग्राम्स चॉकलेट हमें यूज़ करनी है। मैंने यहाँ पे 2 ऑलरेडी कट कर रखे हैं, इनको चॉप कर लिया है। ये मैंने आपको दिखाने के चक्कर में नहीं खोला था, इसे भी कट करेंगे और चॉप कर लेंगे। तो एग्जैक्ट 300 ग्राम्स चॉकलेट हमें यहाँ पे चाहिए। तो ये हमारी सारी चॉकलेट जो है वो चॉप हो गई है। इसे आपको रफली ही चॉप करना होता है, क्योंकि हमें इसको आगे मेल्ट करना है अच्छे से। अब यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, पैन का भी फ्लेम ऑफ है, आपको फ्लेम बिल्कुल ऑन नहीं करना है गैस को। और ये सारी चॉकलेट जो है वो हम इस पैन में डालेंगे। पैन आप हो सके तो एकदम मोटे तले का ही यूज़ करें, जो एकदम हैवी बॉटम पैन होता है, क्योंकि अदरवाइज चॉकलेट जलने के चांसेस रहते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 कैन कंडेंस मिल्क का, ये फुल कैन हमें यूज़ करना है। ये जो वेट वाइज है 397 ग्राम है, यानी 300 ग्राम चॉकलेट के लिए 400 ग्राम्स कंडेंस मिल्क हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपकी चॉकलेट सेमी स्वीट है तो आप कंडेंस मिल्क थोड़ा सा कम रख सकते हैं, अगर स्वीटर साइड आपको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए फज अपना। तो इसको मैं ओपन करूँगी, तो इस कंडेंस मिल्क को, इस पूरे कैन को हम इसमें ऐड करेंगे। आप इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून मेल्टेड सॉल्टेड बटर, मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि उससे थोड़ा सा जो टेस्ट है वो भी इन्हांस हो जाता है। बहुत ही स्लाइडली होता है इसके अंदर सॉल्ट जो है इतने से बटर में। ये हम सिर्फ ग्लेस के लिए, शाइन के लिए ले रहे हैं। आप चाहें तो इस बटर वाले ऑप्शन को स्किप भी कर सकते हैं, फज उसके बिना भी आपका एकदम अच्छे से रेडी होगा। अब मैं एकदम लो फ्लेम पे, एकदम स्लो पे इसको ऑन कर दूँगी। आपको फ्लेम ध्यान रखिएगा, स्पेशली लो ही रखनी है, क्योंकि अगर आपने तेज़ फ्लेम पे किया तो चॉकलेट जल सकती है। तो पैन भी एकदम हैवी बॉटम वाला ही लें। अब इसको अच्छे से आप चलाते रहें, ताकि जो चॉकलेट और कंडेंस मिल्क अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारी जो चॉकलेट है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए और हीट भी इसकी सब जगह लगती रहे। तो कंटिन्यूसली आपको इसको हिलाते रहना है। देखिए, मुझे इसको गर्म करते हुए ऑलमोस्ट 8 से 10 मिनट हो गए हैं और अपनी जो चॉकलेट है वो अच्छे से मेल्ट हो गई है। इट्स लाइक अ बोल ऑफ चॉकलेट, मतलब देख के इतना मन करता है ना। फज ऐसी चीज़ है जो सबको बहुत पसंद आती है, और सबसे बड़ी बात इसको बनाना बहुत ही ईजी है। अगर आप डायरेक्ट पैन में नहीं करना चाहते तो आप डबल बॉयलर का भी यूज़ कर सकते हैं। गर्म पानी रखिए नीचे एक बोल में और उसके ऊपर इस तरह का कोई भी बोल रखिए और अपनी चॉकलेट को और कंडेंस मिल्क को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो अब ये परफेक्ट स्टेज है हमारे फज की, जो कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थी। सब कुछ अच्छे से ब्लेंड हो गया है, मिक्स हो गए दोनों एक दूसरे के साथ। अब इस टाइम पर मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑफ वॉलनट्स, चॉप्ड वॉलनट्स। यहाँ पे आप 1/4 कप तक भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही आप इस टाइम पे कैनबेरीज, रेसबेरीज, किसी भी तरह के ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, ड्राई फ्रूट्स और नट्स आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वो एकदम आपकी चॉइस पे कम्प्लीटली। पर मुझे फज में जो है वो चॉकलेटी टेस्ट ज़्यादा चाहिए होता है, तो मैं बहुत ज़्यादा नट्स यहाँ पे यूज़ नहीं कर रही हूँ। अब इसको अच्छे से बस फोल्ड कर देते हैं और मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम को मैंने अब ऑफ कर दिया है,
अब हमने जो हमारा पैन ग्रीस करके रखा था उसमें ये सारा चॉकलेट का मिक्सचर हम ट्रांसफ़र कर देंगे। आई नो आप सबका चॉकलेट देख के मन कर रहा होगा कि इसको तो डायरेक्ट ही खा लेते, इतना टेस्टी जो होता है ये। और यहाँ पे जो हमने चॉकलेट और कंडेंस मिल्क का जो कॉम्बिनेशन लिया है, जो वेट लिया है, वो इतना परफेक्ट है कि ये बिल्कुल ज़्यादा स्वीट भी नहीं होता है और एकदम खाने के लिए जो हमें परफेक्ट जो मीठा चाहिए होता है ना, वो इसमें मिलता है। अच्छे से इसको क्लीन कर लीजिए। अब हम इस फज को अच्छे से इस तरह से सेट कर लेंगे, इसको स्मूदन कर देंगे एकदम। आपको स्मूथ करने में दिक्कत आती ना, सबसे अच्छा हल्का सा बटर लगा लीजिए, इससे ना ये इजीली स्मूथ हो जाता है, अदरवाइज थोड़ा सा स्टिक रहता है और लेवल नहीं हो पाता है। बट हल्का सा बटर, ऐसा नहीं कि आप बटर में अपनी पूरा डुबोए दें इसको, ऐसा नहीं करना है, बस लाइट सा लगा के और इसे स्मूथ करना है हमें एकदम। तो फ्रेंड्स देखिए, ये आज का टिप था कि आप हल्का सा इस तरह से स्पैचुला पे हल्का सा बटर डाल के और इसको अच्छे से स्मूथ कर लीजिए। तो बस थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ता है, इससे आपको प्रेशर नहीं लगाना पड़ता और इजीली ये स्मूथन हो जाता है, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। अब हम इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे 3 घंटे के लिए। और अगर आप इसे रात में बना रहे हैं तो आप इसको ओवरनाइट भी बाहर रख के छोड़ सकते हैं, अगर वेदर आपके यहाँ का ठीक ठाक है तो, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है तो ये सेट हो जाएगा। अदरवाइज इसको रेफ्रिजरेट करिए 3 घंटे के लिए और 3 घंटे बाद आपका फज एकदम रेडी है। तो अब मैं इसको अपने फ्रिज में रखूंगी, इसको एज इट इज़ बिना किसी चीज़ से कवर किए रख दूंगी। बट नोटिस कर लीजिएगा आपके फ्रिज में कोई ऐसी सब्जी ना हो जिसका फ्रेग्रेंस या स्मेल इसमें जा रहा हो, आप इसको हम 3 घंटे बाद चेक करेंगे। तो हमारा फज जो है वो एकदम सेट हो गया है, इसको 3 घंटे हो गए हैं, हमने इसको रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाल लिया है। अब इसको हम पुल करेंगे, इसको थोड़ा जेंटली पुल करिएगा कि पूरा निकल के बाहर आ जाए। अब हम साइड से इस बटर पेपर को रिमूव कर देते हैं और अब फज को कट करेंगे। जो कटिंग है, अगर आपको बाइट साइज पीसेस चाहिए तो आप बाइट साइज कट कर लीजिए, अगर आपको बड़े पीसेस चाहिए तो अकॉर्डिंगली आप कट कर सकते हैं। मैं थोड़ा मीडियम पीस कट कर रही हूँ इसका। देखिए कितना क्लीन फज निकल के आया है, देखने में इतना यमी लग रहा है, सोचिए खाने में कितना यमी होगा ये। और अब यहाँ से भी देख सकते हैं क्योंकि हमने वॉलनट ज़्यादा यूज़ नहीं किए हैं तो बहुत थोड़े ही यहाँ पे दिख रहे हैं। अब मैं और इनके पीसेस कट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स अपनी चॉइस के हिसाब से जिस भी साइज़ का कट करना है, ऐसे स्क्वायर पीसेस में इसको हम कट कर लेंगे। लिटरली बहुत यमी लगते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी भी है बनाना। एंड इवन आप इसको गिफ्ट रैप करके फ्रेंड्स को भी दे सकते हैं, और होममेड फज तो किसको नहीं पसंद आएगा, सब आपकी तारीफ करेंगे कि वाह क्या बना के दिया है। और ये बेस्ट गिफ्ट हो सकता है अगर आपके फ्रेंड्स चॉकलेट लवर्स हैं स्पेशली, तो बहुत ही अच्छा गिफ्ट है ये। आप अगर चाहें तो हल्का सा कोको पाउडर लेके इसकी डस्टिंग भी कर सकते हैं, ऊपर से इसको हल्का सा डस्ट कर दीजिए। अब कलर देख रहे हैं कितना अच्छा आया है फज का। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक फज ब्रेक करके भी दिखाती हूँ कि ये कितना इस तरह से अंदर से सॉफ्ट निकलेगा, एकदम च्यूई इस तरह का टेक्सचर आपको मिलेगा। लिटरली खाने में तो यम है ही, एक बाइट भी लेती हूँ क्योंकि इसको ब्रेक करने के बाद बाइट ना लो ऐसा मन मानता नहीं है। आप भी बनाएंगे तो आपका भी बिल्कुल ऐसा ही मन करेगा। तो इसी तरह से रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा क्योंकि ये बहुत ही नो फेल टाइप रेसिपी है, बहुत अच्छी लगती है जो चॉकलेट लवर्स है उनके लिए। तो आई मस्ट से कि दिस इज़ मस्ट ट्राई रेसिपी फॉर यू। और इससे ऑलमोस्ट हमें 20 पीसेस के आसपास मिले हैं जो कि काफ़ी अच्छे साइज के पीसेस है। 1 इज़ इनफ, लाइक कैलोरी कॉन्शियस है तो 1 में आपका हो जाएगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड इस रेसिपी को ट्राई करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी, एंड लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली रेसिपी में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।